वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसकी महिमा आपके घर में और इस पवित्र भवन में छाई हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्तुति के दौरान स्पर्श किया है और छुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसू बहाकर मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराया है। प्रियजनों, वचन हमें बताता है कि प्रभु कहता है तेरे आंसुओं का लेखा मेरे पास है। यर्मिया ने कहा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? यर्मिया ने कहा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? परमेश्वर ने उससे कहा, यर्मिया अपने शब्दों को वापस ले, तू अपने शब्दों को वापस ले और देख, मैं तुझे अपना प्रवक्ता बनाऊंगा, मैं तुझे फिर से उन लोगों के बीच में भेजूंगा और तू मेरी ओर से बोलेगा, बशर्ते कि तू अपने शब्द वापस ले। प्रियजनों, अनेक बार हो सकता है अज्ञानता के कारण जाने अनजाने में हमारे मुख से ढिटाई के शब्द निकले हैं, हो सकता है हमने अपनी जुबान को अपवित्र किया है, हो सकता है हमने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा के माध्यम से अपने आप को अपवित्र किया है। इस वक्त समर्पित होकर प्रार्थना करना, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। द लॉर्ड इज टचिंग यू, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। प्रभु कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहता है। कहता, मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं, इसलिए मैं आपसे कई मर्तबा कहा कि जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं तो प्रभु को अपने साथ लेकर जाना, चंगाई अपने आप होती जाएगी। डोंट कम ओनली फॉर हीलिंग, डोंट प्रे ओनली फॉर हीलिंग, डोंट प्रे ओनली फॉर सक्सेस, डोंट प्रे ओनली टू गेट द वीजा एंड द जॉब, रादर यू प्रे दैट जीसस बी विद मी टुडे। प्रभु यीशु आप मेरे साथ रहें, जिसके साथ राजा है तो उसे किस चीज की कमी है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए राजाओं के राजा प्रभुओं को के प्रभु को अपने साथ में रखना, अपने घर में रखना। प्रभु यीशु, तेरी असीम कृपा आज तेरे इन बेटे और बेटियों को मिले, मैं यही तो से दुआ करता हूँ। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ अज्ञानता के कारण जो प्रभु आपसे दूर चले गए, तंत्र मंत्र जादू टोने में फंसे हैं प्रभु, वस्तु शास्त्र अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयों में है। प्रभु मैं तेरा दास इनके लिए प्रायश्चित करता हूँ, प्रभु दया करना, प्रभु दया करना। इस वक्त प्यारे भाई प्यारी बहन, उन बातों के लिए प्रभु से दया की याचना करें जो अज्ञानता के कारण हमारे परिवारों में घटित हो गई हैं। बाइबल कहती है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, बैर करता, वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है। तो क्षमा करना अपने भाई अपनी बहन, जो अपने माता पिता पर हाथ उठाता है वो श्रापित है। प्रियजनों, इन बातों के लिए प्रायश्चित करना। हो सकता हमने प्रभु का नाम व्यर्थ लिया है, हो सकता उसके वचनों का हमने ठट्ठा किया है, माफी मांगना। नौजवानी में हो सकता हमने बहुत सारे संगीर्ण पाप किए हैं, हो सकता है हमने आत्मा के विरुद्ध पाप किया, हो सकता है हमने अपने शरीर के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रायश्चित करना। इस वक्त प्रभु आपको क्षमा करेगा
और हम अपने आप को वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे ताकि वचन हमारे हृदयों को भेद डाले. लेट द वर्ड ऑफ गॉड पेनिट्रेट योर हार्ट योर माइंड एंड योर सोल. प्रायश्चित का गीत गाकर इस वक्त हम प्रभु से दया की याचना करें. प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे अपने लहू में छिपा. तेरा लहू जो शिफा देता है, चंगा करता है. तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं. तेरे घावों से हमारे Jesus.
बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, मुझको छिपा लहू में मुझे खाक साफ कर दे, मुझको छिपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ यीशु तू माफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ यीशु तू माफ कर दे, यीशु तू माफ कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने अपना लहू बहाकर, आपने अपना लहू बहाकर मुझे खरीद लिया है, मुझे खरीद लिया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने शरीर को, मैं अपने शरीर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव, तेरे पवित्र लहू से, तेरे पवित्र लहू से विलेपन करता हूँ, विलेपन करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये मेरे रक्त का विधान है, क्योंकि ये मेरे रक्त का विधान जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने अपना पवित्र रक्त बहाकर मुझे और आपको खरीदा, हमारे ऊपर उसके पवित्र लहू की मोहर लगी हुई है। शैतान की दुरात्मा शक्तियों का हमारे शरीर आत्मा हृदय पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं जब तक कि हम उसे अधिकार ना दें। इसलिए हर वक्त हर क्षण आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी चीजों को प्रभु के पवित्र लहू से संरक्षित करना, विलेपन करना, क्योंकि बाइबल हमें लगातार यही बताती है कि जो यीशु के लहू का सेवन करता है उसे जीवन प्राप्त है। यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम में जीवन प्राप्त नहीं होगा। यौहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 और उससे आगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में यहूदियों की धारणा थी कि बिना रक्त बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं होता, इसलिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाया करती थी और याजक बलि चढ़ाते वक्त उस पशु का रक्त लेकर लोगों पर छिड़कता था और यह माना जाता था कि इस पशु के रक्त बहाने से लोगों को पाप की क्षमा मिलती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है कि किसी सांड मेड़े या बकरे का रक्त पापों को नहीं हर सकता क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। पुरानी व्यवस्था में हमें यह भी बताया गया है कि यहूदियों की प्रथा में जो मेमना निर्दोष होता था, जिसमें कोई दोष नहीं होता था, वो मंदिर में अर्पित किया जाता था, उसकी बलि चढ़ाई जाया करती थी। क्योंकि सारी मानव जाति, सारे लोगों ने पाप किया है और सब पाप की दास्ता में डूबे हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में प्रभु का वचन ये कहता है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अच्छा है। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे कि सब ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं और सारी मानव जाति ने पाप किया। तो किसी इंसान का जो इस धरती का है उसका रक्त बहाकर हमें पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? क्यों? क्योंकि हम में तो दोष है। किसी पशु की बलि अर्पित करके प्राण कैसे हरे जा सकते हैं? क्योंकि उनमें तो जीवन नहीं है। यदि उनमें जीवन होता तो मुझे और आपको लहू के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जानवरों के रक्त से शरीर को
जान दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जो ईश्वर का इकलौता बेटा जो उत्पन्न हुआ है, बनाया नहीं गया है, वो उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम के गर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों आया, और वो निर्दोष रक्त जब उसका बहाया गया तो उस निर्दोष रक्त से मुझे और आपको पापों की क्षमा मिली, दासता से छुटकारा मिला। इसलिए हमने गीत में गाया कि हे प्रभु मुझे उस लहू में छिपा और मुझे पाक साफ कर, मेरे जीवन को, मेरी आत्मा और मेरे हृदय को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरे जीवन को पाक साफ कर। मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं पापों से भरा हुआ हूं। यदि भजन संहिता आप पढ़ते हैं तो दाऊद का एक एक भजन प्यारे भाइयों और बहनों धन्यवाद का भजन है, एक एक भजन प्रार्थना का भजन है, एक एक भजन उसका निवेदन करते हुए भजन है, एक एक भजन उसका प्रायश्चित करते हुए भजन है, और वो कहता है मैं तो माता के गर्भ से पापी हूं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी हड्डियां छीज रही हैं, मैं अपनी माता के गर्भ से पापी पैदा हुआ हूं। इसलिए आज जब हम ये वचन सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाकर उस लहू के द्वारा कलीसिया को प्राप्त किया है, आपको प्राप्त किया है, उसके पवित्र लहू की मोहर आपके ऊपर लगी है। इसलिए जब हम उसके लहू में अपने आप को संरक्षित करते हैं तो प्रियजनों वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, शिफा देता है, उद्धार देता है, चंगाई देता है, क्योंकि उसके लहू में जीवन है। आप याद करिए, आप उसे याद करिए, वो आपके सामने हाजिर होगा, क्योंकि उस लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा मेल कराया। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपने लिए, अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए, और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें, सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली करने का, झुंड की रखवाली करने का भार सौंपा है, भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के, आप प्रभु की सच्चे चरवाहे बने रहें, सच्चे जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर, अपना रक्त देकर प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। आमेन, आमेन। ये वचन पासवानों के लिए है, ये वचन याजकों के लिए है, ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु की कलीसिया की अगुवाई करते हैं। इसके साथ साथ आपका घर जो घरेलू कलीसिया है, आपका घर जो डोमेस्टिक चर्च है, माता पिता के लिए ये जिम्मेदारी है, ये वचन आपके लिए है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 28 की आपको जो झुंड सौंपा गया है, आपके दो और आप दो और आपके साथ में रहने वाले दो या चार व्यक्ति जो आपके घर में रहते हैं, घर के मुखिया का ये कर्तव्य है कि आप अपने उस झुंड की रखवाली करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने माता पिता को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और परमेश्वर माता पिता से एक धर्मी संतति की उत्पत्ति चाहता है, इसलिए उसने आपको दोनों को एक जोड़ा है। यदि आप कलीसिया के अगुआ से, उसके याजक से, या फिर जो उसकी देखभाल करता है उससे इतनी अपेक्षाएं करते हैं, तो परमेश्वर आप माता पिता से भी, जो उसने आपको झुंड सौंपा है, आपका जो घर उसने आपको दिया है, आपके भाई बहन, माता पिता, नाती पोते, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी रक्षा करें, क्योंकि ये कार्य पवित्र आत्मा की ओर से है जो आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, यीशु का लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, सलीब से जो खून की धारा बह निकली, वो मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित का माध्यम बन गया। उस सलीब से जो खून की धारा बह निकली, जितने लोगों ने उसको देखा,
जितने लोगों ने उसे स्वीकार किया वो उनके लिए और सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित और उद्धार का कारण बन गया, जैसा कि लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 और उससे आगे, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। देखिए कितनी सुंदर बात है। संत पौलुस दो बातें हमें बताता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे और आप लोग उसमें विश्वास करने के कारण, प्यारे भाइयों और बहनों, उस विश्वास का उचित फल उत्पन्न करें। अब अपने आप से हम सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रभु की हजूरी में। प्रभु जानना चाहता है, वो हमारे मनोभावों को जानना चाहता है कि हम उसकी शिक्षा में खरे हैं या नहीं, हम विश्वास में पक्के हैं या नहीं, क्या हम सच्चे मसीह हैं या नहीं, क्या हम सच्चे अनुयायी हैं या नहीं। ये आज परमेश्वर हमसे जानना चाहता है, क्या हम अपने विश्वास का उचित फल उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं। इबादत का तो यही अर्थ है, आराधना का तो यही मतलब है, उपवास का तो यही मतलब है कि जो आप विश्वास करते हैं उस विश्वास का आप उचित फल उत्पन्न करें, ताकि आपके कामों को देखकर, मेरे कामों को देखकर लोग ये जाने कि ये यीशु का अनुयायी है, ये प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, ये सच्चा मसीह है। अगर हम इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो प्रियजनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर, कि ईसा अपना रक्त पाप का प्रायश्चित करें, पाप का प्रायश्चित करें, और विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा हम उसका फल प्राप्त करें, हम उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु का लहू, मैंने कहा, मेरे और आपके लिए प्रायश्चित का माध्यम बन गया, वो एक साधन बन गया जिससे कि मानव जाति का मेल ईश्वर से हो जाए और हमारा टूटा हुआ संबंध ईश्वर से फिर जुड़ जाए। और एक विशेष बात कि प्रभु यीशु के लहू की जो उपासना करते, आराधना करते, याद करते हैं, वो धर्मी बन जाते हैं और ईश्वर के दंड से वो बचते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें दंड से बचाता है। इसलिए रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है अध्याय 5 पद संख्या 9 में कि जब हम मसीह के रक्त के कारण धर्मी माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। तो हम निश्चय ही ईश्वर के दंड से बच जाएंगे यदि हम मसीह के रक्त के द्वारा धार्मिक माने गए हैं। तो हम, प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से भी बच जाएंगे, क्योंकि संत पौलुस ये कहता है कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजित होकर नित्य प्रतिदिन अपने लोगों के लिए क्या करता है, बिचवाई करता है और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। यौहन का सुसमाचार अध्याय 17, सुंदर प्रार्थना है, लंबी प्रार्थना है, हमारे महापुरोहित याजक की प्रार्थना की, हे पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं, जब तक मैं इस दुनिया में था मैं इनकी देखभाल करता था, अब तू इनकी देखभाल कर, अब तू इनकी देखभाल कर, जैसे मैं और तू एक है वैसे ये हम में एक हो जाएं, इनमें भाईचारा, प्रेम, शांति और आनंद आप लोगों में सदा बना रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए संत पौलुस बार बार हमें यही याद दिलाता है कि हम प्रभु के सेवक बनकर उसकी सेवा करें, आराधना करें, स्तुति करें और कभी भी उससे दूर ना जाएं। प्रभु हमसे बातें कर रहा है, वो चाहता है कि हम अपने घरों को, परिवारों को, आटा गूंदने की परात को उसके पवित्र सामर्थ्य लहू और वचन से विलेपन करें और संरक्षित करें और अपने आप को समर्पित करें। इसलिए हमने गीत गाया, मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, जीवन ये तुझ में गुजरे
हर सांस तुझसे आए, मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए। दाऊद ने अज्ञानता के कारण पाप किया, वो अनजान था, वो प्रलोभन में पड़ गया, पाप कर बैठा। जितना बड़ा पाप था उससे ज्यादा उसकी आराधना और उसकी तपस्या थी, उससे ज्यादा उसका पछतावा था, और वो पछतावा सच्चा था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फिर से उसे वो सिंहासन प्रदान किया और उसके गुनाहों को माफ किया, और उसने लगभग 40 साल तक इज़राइल में राज्य किया। प्यारे भाई और बहनों, फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खुदा में कितने सच्चे हैं, हमारी प्रार्थना कितनी सच्ची है, हमारी इबादत कितनी सच्ची है, फर्क इस बात से पड़ता है हमारी प्रार्थना में कितना, प्यारे भाइयों और बहनों, उत्सुकता और उत्साह है, फर्क इस बात से पड़ता है हमारे घरों में प्रभु के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है आप उसे लेकर चलते हैं नहीं, फर्क इससे पड़ता है हम उसे अपनी कठिनाइयों में याद करते हैं नहीं, फर्क इससे पड़ता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें याद दिलाता है कि आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका उद्धार सोने चांदी की वस्तुओं से नहीं हुआ, इस संसार की दुनियावी बातों से नहीं हुआ है। जो चीजें आपके पास हैं, गाड़ी मोटर बंगला पैसा शान शौकत या शोहरत, इससे आपका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसने अपना रक्त बहाकर सूली के ऊपर मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, आपका और मेरा उद्धार उसके पवित्र रक्त बहाने से हुआ है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे रिश्तेदार, मित्र बंधु में, मित्र बंधुओं में, और टूटे बिखरे परिवारों में, टूटे बिखरे परिवारों, तेरी शांति विराजे, तेरी शांति विराजे, जो तुझे, जो तुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, सच्चे मन से याद कर रहे, तुझसे दया की याचना कर रहे हैं, तुझसे दया की याचना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, इन पर दया कीजिए, उन पर दया, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, इन वचनों को दोहराना, इन वचनों को बोलना, क्योंकि लिखा है राह चलते, उठते, बैठते, सोते, लेटते समय, यात्रा करते समय, सब समय आप लोग इन वचनों पर मनन चिंतन किया करो। ये शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम अपने आप को लहू में छिपाए रहोगे, यदि तुम उस पवित्र मांस और रक्त को खाओगे और पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त है। जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं, और जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि मैं संसार की ज्योति हूं। इसलिए आज हम अपने आप को प्रभु के पास ले चलें, अपनी जरूरतों को समर्पित करना, धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों को प्रभु आशीष दें, बरकत दें, आपके घरों में आज की संध्या वंदना के दौरान प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें। आप लोग जो शारीरिक चंगाइयों की राह देख रहे हैं, जो आत्मिक चंगाई पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु आप लोगों को ब्लेस करें। इस वक्त हम बंधन तोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अनेक बंधन हो सकते हैं हमारी जिंदगी में, हो सकता है जिद्दपन का बंधन हो सकता है किसी प्रकार का एडिक्शन का बंधन हो सकता है ईर्ष्या का, जलन का बंधन हो सकता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बंधन हो सकता है गलत रिश्तों का बंधन हो। प्रभु से कहना, प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से
इन बंधनों को तोड़ दे, सारे बंधनों को तोड़ दे और मेरे जीवन में तेरी महिमा होने पाए।